हाय फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सेंटोस में हम लोग किस तरह से बगजिला इंस्टॉल कर सकते हैं। सेंटोस 7 में हम लोग बगजिला कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेरे नोटपैड पे सारी इसकी स्टेप्स मैंने लिख रखी है। ये सारी हम लोग इसको कम करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारी बगजिला इंस्टॉल होती है सेंटोस 7 पे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं हमारी ओएस की वर्जन कौन सी है। ये आप देख पा रहे हैं सेंटोस 7 वर्जन, सेंटोस आईडी और वर्जन 7। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले रन करेंगे यम अपडेट स्पेस माइनस वाई। इसको मैंने रन कर रखी है क्योंकि इसको थोड़ी टाइम लेती है, तो इसलिए इसको आपको सबसे पहले इसको रन करनी है। इसको रन करने के बाद आपको एपिल रिलीज़ की रिपोजिटरी को डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप इसको रन करनी है। ये आप देख पा रहे हैं ये इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉलिंग, सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद अब इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, जो कि डिपेंडेंसीज ये है HTTP सर्वर, MariaDB सर्वर और सारी इसकी डिपेंडेंसीज, लाइक सारी चीज़ें इस पे है, मेल सर्वर, MariaDB, PHP, MySQL, सारी चीज़ें। ठीक है, इसको पूरा पूरी आप कॉपी कर लीजिए। पूरी कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, ये सारी चीज़ों की इंस्टॉल कर लीजिए। यम सर्वर से सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी। ये हो रही है इंस्टॉल, हम लोग वेट कर लेते हैं कुछ देर। ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि इस पे सारे डिटेल्स बनानी है। बगजिला को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करना है, डेटाबेस बनानी है, MariaDB, हम लोग को डेटाबेस में MariaDB की हम लोग यूज़ करेंगे और सबसे लेटेस्ट वर्जन 10.5 की। देन हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस में परमिशन देनी है, फायरवॉल पे काम करनी है, सब सारे चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने में हम लोग को थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे हम लोग। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी कॉपी हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों को हमारी जो अपाची सर्वर है, अपाची सर्वर को स्टार्ट करनी है, अपाची सर्वर को इनेबल करनी है। देन हमारी MariaDB सर्वर को स्टार्ट करनी है, उसको भी उसकी सर्विस को भी इनेबल करनी है। देन हम लोगों को अपनी जो MariaDB सर्वर है उस पर पासवर्ड सेट करनी है, डेटाबेस रीसेट करनी है, सारी चीज़ें इस पर करनी है। ये इंस्टॉलेशन चालू होगी जिसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो हम लोग इसको एक
एक कमांड पे इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तब तक जब तक इंस्टॉलेशन चल रही है हम लोग एक लाइन में सारी चीज़ों को कर देते हैं, जैसे कि एक ही बार में ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए, बार बार हम लोग को कमांड्स कॉपी करना ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारी एक पहली एक कमांड को कॉपी कर लेते हैं जो पहले सर्विस HTTPD अपाची सर्विस को स्टार्ट करेगी, फिर उसकी सर्विस को इनेबल करेगी, जो कि बूट टाइम में सिस्टम, मतलब ये हम लोग अनेबल इसलिए कर रहे हैं कि जब ये सिस्टम रिस्टार्ट हो या शटडाउन होने के बाद जब सिस्टम स्टार्ट हो तो ये बूट टाइम से सर्विस या स्टार्ट हो जाए। अगर आप इसको अनेबल ना करेंगे तो आपको फिर से मैनुअली आपको इस सर्विस को स्टार्ट करनी पड़ेगी। वन एट ज़ीरो नाइन पैकेजेस है, इसको इंस्टॉल होने में थोड़ी सी और ज़्यादा टाइम लगेगी क्योंकि 53-54 पैकेजेस इंस्टॉल हुई है अभी तक। अनवर 1809 टोटल पैकेजेस इंस्टॉल होगी, तो ये भी थोड़ी सी टाइम लगेगी ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। पाँच से सात मिनट इसको कंप्लीट होने में लगेगी, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं।
हम लोग इस वीडियो को पॉज कर देते हैं और ये जब कंप्लीट हो जाएगी फिर फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाय फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है सारी चीज़ें डाउनलोड। अब हम लोग फिर चले जाते हैं अपने नोटपैड पे, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी सारी प्रोसीजर नोट डाउन करके रखी हुई है। अभी हम लोग एचटीटीपी सर्विस को स्टार्ट और एनेबल करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। इससे ये एचटीटीपी सर्विस को स्टार्ट भी करेगी और इसको एनेबल भी कर देगी, ठीक है। इसको स्टार्ट और इनेबल हो चुकी है। अब हम लोग MariaDB की सर्विस को स्टार्ट और इनेबल करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं MariaDB भी स्टार्ट हो रही है, MariaDB भी स्टार्ट होगी और इनेबल भी होगी। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं सिस्टम CTL स्टेटस। HTTPD की आप देख पा रहे हैं एक्टिव एंड रनिंग। MariaDB की भी देख लेते हैं हम लोग स्टेटस, एक्टिव एंड रनिंग, दोनों सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, रन हो चुकी है। अब हम लोगों को पासवर्ड सेट करनी है, तो हम लोगों को ये वाली कमांड रन करनी है, MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। इस पर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर रूट की पासवर्ड पूछेगी, बट हम लोगों ने रूट की पासवर्ड सेट नहीं किया तो और एक बार बस हमको एंटर करनी है। अब ये पूछ रही है कि रूट की पासवर्ड सेट करनी है रूट यूज़र की, तो अभी हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद न्यू पासवर्ड सेट करेंगे, ये हम लोगों ने ऊपर रूट की पासवर्ड सेट कर दी। अगर रिमूव एनोनिमस यूजर्स पूछ रही है, रिमूव एनोनिमस यूजर्स, यस करेंगे। डिजेबल रूट यूज़र लॉग रिमोट लॉगिन, इसको भी यस करेंगे। रिमूव टेस्ट डेटाबेसेस, इसको भी यस करेंगे। रिलोड प्रिविलेज, इसको भी यस करेंगे। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं लॉगिन करके कि MariaDB प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं। ये हमने चेक कर लिया, MariaDB सही से काम कर रही है। शो डेटाबेसेस हम देख लेते हैं कितने डेटाबेसेस बनी हुई है, जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं। ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस बन चुकी है, अब हम लोग इसको एग्जिट हो जाते हैं MariaDB से, ठीक है। आप चाहें तो MariaDB को एक बार रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, बट रिस्टार्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर से लॉगिन करते हैं, यूज़र क्रिएट करते हैं। ये हो गई, ये सबसे पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे बगजिला DB के नाम से। ये क्वेरी ओके, वन रूट रिफ्लेक्टेड बता दी, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब एक यूज़र क्रिएट करेंगे जिसका नाम बग है, उसकी पासवर्ड भी बग है, ओके। बनोग तीसरी इसको परमिशन देंगे जो हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट की थी बग यूज़र के लिए, एक्सेस के लिए दिए। अब हम लोग जितने भी प्रिविलेजेस है उसको हम लोग रिस्टोर किया, मतलब रिसेट किया। अब हम लोग एग्जिट करने की कमांड दिए इसको, इससे हम लोग एग्जिट हो जाते हैं MariaDB से। अब हम लोग डाउनलोड करेंगे, बगजिला की सेटअप फाइल जो कि टार में है। तो मैं हमको सबसे पहले टार डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल टार, यस। इससे हम लोग पहले टार डाउनलोड कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग ये वाली कमांड को रन करेंगे क्योंकि मेरे पास टार नहीं है इंस्टॉल, ठीक है। नहीं, टार भी है, ठीक है। तो फिर कमांड रन करते हैं, ये डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड हो गई है, हम लोग चेक कर लें कौन से फोल्डर में, हम लोग /root फोल्डर में है। इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये वाली कमांड जो एक्सट्रैक्ट के लिए यूज होती है, tar-xvzf bugzilla-5.0.tar.gz। इस पर क्लिक करते ही इसको एक्सट्रैक्ट कर दी इसी फोल्डर पे। अब चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे bugzilla.tar थी और इसकी एक एक्सट्रैक्ट फोल्डर ये है bugzilla, जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं ये उसकी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है और ये उसकी टार फाइल है। अब हम लोग इसको मूव करेंगे HTML और अपाची फोल्डर के अंदर, MV फॉर मूव bugzilla 5.0। इस फोल्डर को उठा करके /var-www-html bugzilla फोल्डर के अंदर मूव करेंगे, ठीक है।
तो हम लोगों ने ये कमांड मूव कर दिया। अब हम इसकी परमिशन चेंज करेंगे, ओनरशिप चेंज करेंगे। ओनरशिप के लिए CHOWN-R अपाची अपाची /var/WWHTML बगजिला, क्योंकि हम लोग बगजिला बाहर बनाया था इस फोल्डर को, तो इसकी ओनरशिप चेंज किए। अब इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अब हम लोग इस फोल्डर के अंदर चले गए हैं, आप चाहें तो PWD मार के देख सकते हैं /var/WWHTML बगजिला के हम लोग अंदर हैं। अब हम लोग ये कमांड को रन करेंगे जो कि थोड़ा सा टाइम लेगी, इसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और एक वीडियो ये कंप्लीट होने के बाद फिर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टाइम लेगी, सारी कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ी सी टाइम लेगी, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हम लोगों ने जो लास्ट कमांड चलाई थी ये कम्प्लीटली रनिंग हो चुकी है, कम्प्लीट रन हो चुकी है। अब हम लोगों को जानी है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, बगजिला फोल्डर के अंदर। तो हम लोग इसको रन करेंगे, बगजिला फोल्डर के अंदर चले गए हैं, PWD मार के चेक कर लेते हैं हम लोग पर्टिकुलरली उस फोल्डर के अंदर हैं। तो अब हम लोगों को ये रन करनी है checksetup.pl, इसको रन करेंगे, इस पे एक एरर दिखाएगी कि प्लीज़ एडिट द फाइल /local config। आप यहाँ पे लास्ट लाइन में आप देख पा रहे हैं कि आप लोकल कन्फिग फाइल को एडिट करें। तो अब हम लोग इसको फाइल को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हम लोग VI की हेल्प लेंगे, VI से इस फाइल को ओपन करेंगे। सॉरी, VI मैंने प्रेस किया, कॉपी किया, अभी VI नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, ठीक है। VI लोकल कन्फिग पे जाएंगे, तो आप डायरेक्ट इसके एंड पे आ जाएं, लास्ट लाइन पे आके ये डिटेल्स जो मैंने बना रखी है, DB होस्ट लोकल होस्ट, DB नेम बगजिला DB, DB यूज़र बग, DB पासवर्ड बग, इस सारी चीज़ों को कॉपी करें, आई प्रेस करते आप इंसर्ट मोड पे चले जाएंगे और वहाँ पे नीचे सबसे लास्ट इस फाइल के सबसे नीचे में इसको पेस्ट कर दें और फाइल को सेव करके निकल जाएं। अपने निकल गए, अब आपको फिर से वही सेम चीज़ को रन करनी है, ठीक है। सेम चीज़ को रन करनी है, तो हमको ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली रन करनी है। तो हम लोगों ने रन किया फिर से, आप देख पा रहे हैं अभी ये प्रॉपर्ली रन हो रही है। क्रिएटिंग टेबल्स, एडिंग न्यू टेबल बेस स्कीमा, इनिशियलाइजिंग BZ स्कीमा, क्रिएटिंग टेबल्स, ये टेबल्स क्रिएट करेगी, सारी चीज़ इंपोर्ट करेगी, टेम्पलेट सेट करेगी, सारी चीज़ों करने के बाद हम लोग को मेल ID सेट करने के लिए प्रोविजन देगी। इसके बाद ही हम लोग प्रोविजन देगी मेल ID सेट करने के लिए। तो जो हम लोग सेट करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रूट आपकी VM की IP, क्योंकि हम VM पे बना रहे हैं ये इन्वायरमेंट को, तो हम अपने VM की IP देंगे, देन कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटर की नाम देने की स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मांग देख पा रहे हो, एंटर ईमेल एड्रेस, तो हम लोग टाइप करेंगे root192.168.10.5, ओके, ये देंगे। अगेन ये पूछ रही है एंटर द रियल नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप रियल नेम दे सकते हैं, एंटर द पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड देके एंटर मारें, फिर से वेरीफाई कर रही है, फिर से वेरीफाई के लिए और एक बार पासवर्ड डाल दें। तो आप देख पा रहे हैं चेक सेटअप PL कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों को ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, चेक सेटअप कंप्लीट, ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होती है यहाँ तक। अब हम लोग जाएंगे vi/etc/httpd.config/bugzilla.config, इस पर हम लोग को ये करनी है कि जो हमारी जो HTTP अपाची सर्वर है उसको बगजिला के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बगजिला की इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करेंगे HTTP के लिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको कॉपी करनी है, इस पर्टिकुलर फाइल को खोलनी है, एक मिनट, मैं एक पर्टिकुलर फाइल को खोलनी है, इंसर्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे इंसर्टेड हो गई, इसको सेव कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे। इससे आपको हमारी जो HTTP सर्वर है उसको बगजिला के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई HTTP सर्वर को, तो अभी हम लोग HTTP सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर्विसेज को लिखने की ज़रूरत नहीं, HTTPD देकर एंटर मार दें तो ये रिस्टार्ट कर देगी HTTPD सर्विस को, जिससे ये फाइल जो हम लोगों ने एडिट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन उस पर पास पहुँच जाएगी।
अब हम लोग HTTPD की जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर है उसको अलाउ करेंगे फायरवॉल में। फायरवॉल CMD जोन पब्लिक एट पोर्ट 80, ये TCP के ग्रुप में आती है और परमानेंट करेंगे। अब फायरवॉल को इसको भी हम लोग रिलोड करेंगे, इसको करते ही पोर्ट 80 अलाउ होगी। अब हम लोग फायरवॉल को रिलोड करेंगे। सॉरी, मैंने विंडोज़ की कमांड टाइप कर दी। ये हमारी लाइनक्स पे चल रही है, ये वाली कमांड लाइनक्स पे चलेगी। ठीक है, तो हमारी ये हो चुकी है। अब हम लोग चाहें तो हमारी जो फायरवॉल SC Linux है, SC Linux को डिसेबल करनी है। इसको हम परमिसिव मोड में देख दे देते हैं। SC स्टेटस आप देख पा रहे हो परमिसिव मोड में है। अगर आप चाहें इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। मैंने अभी करेंटली हमने परमिसिव मोड में डाल दिया, परमिसिव मोड में भी ये रन कर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग टेस्ट डेटाबेस को हम लोग चेक कर लेते हैं, काम कर रही है कि नहीं प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम लोग अपनी IP देंगे, ये देख पा रहे हैं टेस्ट ओके, वेब सर्वर टेस्ट ओके, टेस्ट ओके सारी चीज़ों पे ये टेस्ट ओके और टेम्पलेट्स ओके, सब कुछ ओके। अब इसको हम लोग UI वेब ब्राउज़र में चेक कर लेंगे, वेब ब्राउज़र पे ये खुल रही है कि नहीं। तो हम लोग, मैंने वेब ब्राउज़र पे क्लिक किया, वेब ब्राउज़र ओपन हो रही है, ऑन द फ्लाई है वेब ब्राउज़र। जल्दी ओपन हो जाए तो हम आपको चेक करवा देंगे। ये हो गई हमारी वेब ब्राउज़र ओपन। तो हम लोग यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे IP मारेंगे जो हमारी VM मशीन की IP है। इस पर क्लिक कर दिए। यहाँ पे कॉमा दे दिया, 192.168.10.5 जैसे आप मारेंगे वेलकम टू बगजिला की वेलकम पेज आ जाएगी। यहाँ पे वर्जन शो करेगी, वर्जन हमारी 5.0 है। अब इसको लॉगिन अगर आप करना चाहें तो लॉगिन पे क्लिक करें और अपनी मेल ID डाल दें जो हम लोगों ने बनाया था, root@192.168.10.5। पासवर्ड जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सेट किया था वो पासवर्ड दें और लॉगिन पे क्लिक करें। ये बोल रही है लॉगिन पासवर्ड इनकरेक्ट, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। और एक बार थोड़ी मेरी सिस्टम स्लो हो रही है, 10.5 लॉगिन। तो ये देख पा रहे होंगे ये लॉगिन हो चुकी है root@ 192.168.10.5 से। आप यहाँ पे लॉग इन और लॉग ऑफ, लॉग आउट का भी ऑप्शन है। बाकी आपकी ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं, जो बगजिला एडमिन होंगे वो लोग यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।